के लिए हमें क्या चाहिए, इस तरीके से एक क्विल्टेड पीस मैंने लिया है, ऊपर कपड़ा, नीचे कपड़ा, बीच में फॉर्म शीट और उसपे सिलाई लगाई है। अगर आपके पास फॉर्म शीट नहीं है तो रबड़ शीट, आटा बैग, राइस बैग, कुछ भी आपके पास वो आप यूज कर सकते हैं। इस तरीके से इसके मेजरमेंट बता देती हूँ, ये है 15 इंच और इसकी लंबाई हमने ली है 26 इंच। इसके ऊपर अटैच करने के लिए इस तरीके से मैंने पॉकेट का कपड़ा लिया है। इसकी विड्थ इसके बराबर है 15 इंच और इसकी लंबाई हमने ली है ये है 18 इंच। अब आपको करना क्या है, पहले हम पॉकेट फिनिश करते हैं। तो दो तरफ से, यहां से और यहां से, इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लीजिए, इस पे भी और उस तरफ भी, दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब आपको क्या करना है, ये लिया, इसका सेंटर पॉइंट ले लीजिए पॉकेट का, पॉकेट का सेंटर पॉइंट लिया, इसका सेंटर पॉइंट लेना है आपको कपड़े का। सेंटर पॉइंट लिया, सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिलाना है आपको इस तरीके से। मैंने सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिला दिया इस तरीके से। एक सिलाई यहां से लेके यहां तक लगा लीजिए, एक सिलाई यहां से लेके यहां तक लगा लीजिए 2, एक सिलाई ये सेंटर पॉइंट पे लगा लीजिए 3 और एक सिलाई यहां पे लगा लीजिए 4। तो सिलाई लगा ली, एक सिलाई, 2, 3 और 4 साइडों में, तो मेरी 1, 2, 3 और 4 4 पॉकेट्स बन गई। इसे हम साइड पे रखते हैं। अब हम इसके ऊपर के लिए बनाते हैं। तो इस तरीके से 2 पीस लिए हैं मैंने कपड़े के, 1 और 2 पीसेस सेम साइज के, जैसा जो हमने ये क्विल्टेड पीस लिया था इसी साइज के ये 2 पीसेस हैं, 15 इंच और ऐसे लंबाई में 26 इंच। अब हमें करना क्या है, पहले हम इसे शेप दे देते हैं 1 फोल्ड लेंथ वाइज और यहां से फोल्ड किया 2 फोल्ड, यहां ऊपर की तरफ से हम इसे शेप देंगे 5 इंच, नीचे की तरफ निशान लगाया 4 इंच, यहां से अंदर की तरफ निशान लगाना है आपको, इस निशान को इस निशान से मिला दीजिए इस तरीके से, ये मैंने मिला दिया। इसकी कटिंग कर लीजिए, ये देखिए इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 4 सिलाइयां लगानी है यहां से लेके यहां तक 1, यहां से लेके यहां तक 2, यहां से लेके यहां तक 3 और यहां से लेके यहां तक 4 लगा ली, 1, 2, 3 और 4 चारों में सिलाई लगा ली। अब इसे सीधा कर लीजिए, ये मैंने इसे सीधा कर लिया इस तरीके से। तो यहां ये कॉर्नर्स हमने जो कट किया था, शेप दी थी, वो हमारी फिनिश हो गई। अब आपको क्या करना है, यहां से इसे फोल्ड करना है इस तरीके से, ऐसे फोल्ड करते हुए यहां से लेके यहां तक इस पे सिलाई लगा लीजिए, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक, यहां से भी फोल्ड कर लीजिए और सेम उसी तरीके से इस तरफ से भी फोल्ड कर लीजिए, इसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लीजिए इस तरीके से। फोल्ड करके मैंने इस पे सिलाई लगा, रेडी हो गया। अब आपको क्या करना है, ये लिया और ये जो हमने पीस रेडी किया था इस तरीके से, इसे इसके ऊपर रखना है, ये मैंने इसके ऊपर रखा, बराबर रखते हुए दोनों तरफ से इस तरीके से। अब एक सिलाई यहां से लेके यहां तक लगा लीजिए और एक सिलाई यहां से लेके यहां तक, देखिए मैंने सिलाई लगा ली, एक सिलाई यहां से लेके यहां तक 1, एक यहां से लेके यहां तक 2 और एक सिलाई मैंने बीच में लगा ली है इस तरीके से। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। अब हम पहले इसके लिए स्ट्रैप बनाते हैं। तो 2 मिनट इसे साइड पे रखा, इस तरीके से 2 पीसेस लिए हैं मैंने स्ट्रैप बनाने के लिए। स्ट्रैप अगर आप लंबी करना चाहें तो अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ये मैंने लिया है 4 इंच और स्ट्रैप की लंबाई है 25 इंच। अब आपको करना क्या है, 1 फोल्ड 2 फोल्ड और एक और फोल्ड और सिलाई लगा के इसे और इसे दोनों को रेडी कर लिया। दोनों स्ट्रैप मैंने रेडी कर लिया। अब हम स्ट्रैप को ज्वाइन करेंगे। स्ट्रैप कहाँ ज्वाइन करनी है, जो हमारा ये वाला पल्ला है इसके साथ। एक स्ट्रैप को यहाँ रखना है, सिलाई लगा के ज्वाइन कर लीजिए इसका दूसरे वाला पीस यहाँ पे इस तरीके से। तो एक स्ट्रैप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए इसके साथ और एक स्ट्रैप उस तरफ, इस तरीके से मैंने स्ट्रैप अटैच कर लिए, एक इस तरफ और एक उस तरफ। अब आपको क्या करना है, अब हम इसमें जिप अटैच करते हैं।
तो इस साइज की जिप लेनी है। ये मैंने जिप लिया जो एक्स्ट्रा होगा बाद में काट लेंगे। और एक हमें रनर चाहिए इसमें डालने के लिए, तो जिप का एक पीस हमें इस तरफ अटैच करना है। ये मैंने ओपन कर लिया, एक पीस इस तरफ और एक पीस इस तरफ अटैच करना है। तो ये लिया इस तरीके से, इसे रखना है यहाँ पे सीधी तरफ अंदर की तरफ इस तरीके से रखते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा, यहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे इस तरीके से करना है और ये अंदर की तरफ करते हुए यहाँ पर ऊपर टॉप स्टिच लगा लीजिए। ये मैंने इस पे टॉप स्टिच लगा लिया, तो जिपर मेरी यहाँ पे अटैच होगी। जैसे यहाँ पे अटैच की है वैसे ही जिपर का दूसरा पीस हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। इसे इस पे रखना है इस तरीके से, सिलाई लगा लीजिए और फिर पलट के टॉप स्टिच लगा लीजिए। जैसे हमने ये ज्वाइन किया उस तरफ मैंने जिप को अटैच कर दिया, एक पीस इस तरफ एक पीस इस तरफ। अब इसे इस तरीके से यहाँ से इसके बीच में रनर को इंसर्ट कर लीजिए। यहाँ से हम रनर को इंसर्ट कर लेते, रनर इंसर्ट कर लिया इस तरीके से। अब इसे उल्टा कर लीजिए अंदर की तरफ। अब हम इसका बेस बना लेते हैं। तो ये मैंने अंदर की तरफ कर लिया इस तरीके से बराबर रखते हुए। अब हम पहले यहां से नीचे की तरफ से इसका बेस कटिंग, अब हमें लेना है 2x2 इंच का हम कट करेंगे। 2 इंच इस तरफ, 2 इंच अंदर की तरफ, इस तरीके से ब्लॉक बन गया। इसे कट कर लेंगे, देख लीजिए स्ट्रैप वगैरह आपकी बीच में ना आ रही हो। इस तरीके से इसे कट करके अलग कर लीजिए। ये मैंने कट करके अलग कर लिया, सेम इस तरफ से भी। जैसे ये शेप दी है, ये वाली शेप दी है, इस तरफ से भी सेम आपको 2x2 इंच की शेप देनी है। 2 इंच और 2 इंच, इसे भी कट कर लीजिए। एक्स्ट्रा जिप को मैं कट कर लेती हूँ। इस तरीके से तो ये हमारी शेप आ गई। अब आपको करना क्या है, एक सिलाई यहाँ से लेके यहाँ तक लगा लीजिए 1, एक सिलाई यहाँ से लेके यहाँ तक लगा लीजिए 2। लगा ली एक सिलाई, ये लगा ली। अब ये जो रफ एजेस हैं इसे फिनिश करने के लिए इस तरीके से सिंपल स्ट्रेट पट्टी लिया है। इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिंपल इसे पाइपिंग से पट्टी से फिनिश कर लीजिए इस तरीके से। इस तरीके से पूरी पट्टी लगाते हुए ये साइड और ये साइड दोनों तरफ इस तरीके से पट्टी से फिनिश कर ली। दोनों तरफ से मैंने पाइपिंग से फिनिश कर लिया। अब हम इसका बेस बनाते हैं। बेस बनाने के लिए यहाँ से पकड़ना है इसे, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए 1, यहाँ से पकड़िए यहाँ से लेके यहाँ तक 1 और 2 दोनों सिलाइयाँ लगा लीजिए। ये देखिए ये मैंने बेस पे सिलाई लगा ली, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो इस तरीके से बेस बन गया। ये जो बेस के रफ एजेस है इसे भी इस तरीके से पट्टी से फिनिश कर लीजिए, एक पट्टी से इस तरफ और एक पट्टी से इस तरफ। ये रफ है जिसको मैंने फिनिश कर दिया। तो देखिए अंदर से प्रॉपरली हमारा फिनिश हो गया इस तरीके से। बस अब ये जिपर वाले पोर्शन की तरफ से यहाँ से इसे हम पूरा सीधा कर लीजिए, सीधा कर लिया। तो इस तरीके से मेरा बैग बिल्कुल रेडी हो गया। देखिए इस तरीके से फ्रंट साइड, बैक साइड, वाइड बॉटम और यहाँ जिपर के साथ हमारी पॉकेट, देखिए काफ़ी बड़ी पॉकेट, काफ़ी ज़्यादा स्पेस। इस तरीके से 2 पॉकेट्स हमारी यहाँ पे, एक पॉकेट बड़ी पॉकेट हमारी यहाँ पे बन गई। देखिए एक बड़ी पॉकेट हमारी यहाँ पे बन गई, एक पॉकेट हमारी ये बन गई, 2 पॉकेट्स हमारे यहाँ पे भी बनाई हैं। तो 1, 2, 3 सेम इसी तरीके से यहाँ पे बन गई, 4, 5, 6 और एक बड़ी पॉकेट हमारी यहाँ पे अंदर बन गई, 7। तो बहुत सारी पॉकेट्स हैं इसमें सामान रखने के लिए। इस तरीके से बनाने में बहुत ही आसान। तो ये हमारा बैग बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी हो गया इस तरीके से।